फास्ट एंड फ्यूरियस का 10th पार्ट यानी कि फास्ट एक्स 18th मई को थिएटर्स में रिलीज हो जाएगा, जिसमें अब कुछ ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ये मूवी इस पूरे सागा के कंक्लूजन को स्टार्ट करेगी और फिर इसका फाइनल कंक्लूजन फास्ट एक्स पार्ट 2 में हो जाएगा। मतलब कि इस फास्ट एक्स मूवी को तुम इन्फिनिटी वॉर समझ सकते हो और फिर इसका पार्ट 2 इस पूरी फ्रेंचाइजी की एंड गेम होगी। और इस मूवी के डाई हार्ड फैंस तो इस मूवी के लिए ऑलरेडी एक्साइटेड हैं ही। इस मूवी के मेकर्स को बॉक्स ऑफिस पर तगड़े नंबर चाहिए, इसलिए उन्होंने इस मूवी की एडवांस बुकिंग फरवरी में ही स्टार्ट कर दी थी, इंक्लूडिंग इंडिया। जी हाँ, मूवी रिलीज होने से 3 महीने पहले ही इस मूवी की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मगर ये सब शायद काफी नहीं था, इसलिए द वेब वेबसाइट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज निकल कर आई है, जिससे ऑफकोर्स इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। अब ये एक्सक्लूसिव न्यूज बताने से पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि ये न्यूज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड है। तो इस वेबसाइट का आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस मूवी में द रॉक रिटर्न कर रहे हैं, वो भी अपने हॉब्स के रोल में। अगर तुम्हें ये बड़ी न्यूज़ नहीं लग रही है तो मैं तुम्हें बता दूं कि पास्ट में द रॉक और विन डीजल के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई हो चुकी है, और वो लड़ाई हुई थी हॉब्स एंड शो मूवी को लेकर, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की एक स्पिन ऑफ मूवी थी। विन डीजल चाहते थे कि जब तक फास्ट एंड फ्यूरियस सागा कंप्लीट ना हो जाए तब तक कोई भी स्पिन ऑफ मूवी ना बने, मगर ये मूवी बनी और बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हो गई, और ये चीज़ विन डीजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भले ही द रॉक ने इस फ्रेंचाइजी को 5th पार्ट से ज्वाइन किया हो, मगर वो इस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बॉक्स ऑफिस नंबर्स के लिए। इस मूवी ने अपने 4th पार्ट तक बॉक्स ऑफिस पर 400 मिलियन को टच नहीं किया था, मगर फास्ट 5 में द रॉक की एंट्री होने के बाद इस मूवी ने सीधा 629 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया था, जिससे ऑफकोर्स हमें रॉक की पॉपुलैरिटी का पता चलता है। और उसके बाद से इस मूवी के नंबर्स बढ़ते चले गए, जहां फास्ट 7 और फास्ट 8 ने तो 1 बिलियन डॉलर का मार्क भी क्रॉस कर लिया था। और फिर फास्ट 9 में रॉक ने अपने रोल में रिटर्न नहीं किया था, वही विन डीजल की कॉन्ट्रोवर्सी के चलते, और इसका असर बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर भी दिखा। जहां लास्ट 2 मूवीज 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर रही थी, वही फास्ट 9 ने 726 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन ही किया। और शायद इसके बाद विन डीजल को अपनी गलती का एहसास हुआ, और नवंबर 2021 में विन डीजल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने रॉक से पब्लिकली माफी मांगी और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इस फ्रेंचाइजी को वापस ज्वाइन करें। इस पोस्ट पर रॉक ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, और फिर कुछ महीनों बाद रॉक का CNN के साथ एक इंटरव्यू हुआ, जहां उन्होंने कहा कि विन डीजल को ये सब पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए था, वो उनसे पर्सनली ये सब डिस्कस कर सकते थे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस फ्रेंचाइजी में कभी भी वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद से हम सब ने मान लिया था कि रॉक अब इस फ्रेंचाइजी में रिटर्न नहीं करेंगे, मगर अब द वेब के इस एक्सक्लूसिव आर्टिकल ने उन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज पे फुल स्टॉप लगा दिया। और बस मैं अब होप करता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है ये सही साबित हो, बाकी इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है ये हमें 18th मई को पता चल ही जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स हमें कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।